मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण का एक मेगा प्लान तैयार किया है, जिसकी शुरुआत सीआरपीएफ के साथ किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ को आने वाले दिनों में 200 से ज्यादा एमबीपीवी व्हीकल यानी कि मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल दिया जाएगा, जिनका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी अभियान में किया जाएगा। साथ ही इसका इस्तेमाल एलडब्ल्यूई एरिया में भी किया जा सकेगा। जवान इन गाड़ियों में बैठ करके ऑपरेशंस के लिए जा सकेंगे, जिसमें उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआती दौर में 200 एमबीपीवी व्हीकल खरीदी जा रही हैं। आने वाले दिनों में 150 और गाड़ियों के लिए टेंडर दिया जाएगा, जिसके बाद इन गाड़ियों की संख्या 350 हो जाएगी। यानी कि भारी भरकम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ अब सीआरपीएफ के पास होगी और जिसका इस्तेमाल आतंकरोधी अभियान में किया जा सकेगा। खासियत क्या होगी इस गाड़ी की, ये अब हम आपको बताते हैं। दरअसल ये गाड़ी बुलेट प्रूफ व्हीकल होगी और बुलेट प्रूफ व्हीकल के साथ साथ इस गाड़ी में 10 जवान एक साथ बैठ करके एक ही साथ ऑपरेशन करने के लिए जा सकते हैं। 2 जवान आगे बैठ सकेंगे और 8 जवान पीछे, जिसमें दोनों अपोजिट साइड में बैठ करके ये फायरिंग भी कर सकते हैं। और इसकी जानकारी ऊपर लगे जो कैमरे हैं उससे 24/7 इन जवानों को अंदर लगी स्क्रीन के जरिए मिलता रहेगा। ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, इसलिए ऊपर जवान निकल सकता है और वो पूरा एरिया 360 घूम सकता है। तो ऐसे में इस गाड़ी का इस्तेमाल बेहतर होगा और इसके जरिए जवान ऑपरेशन करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इसकी खासियत और भी है कि इस गाड़ी को जो भी टेरेन होगा, चाहे वो पानी वाला एरिया हो या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा है, उस टेरेन में भी ये गाड़ी जा सकती है। यहाँ पर किसी भी जवान को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। आने वाले समय में सीआरपीएफ को और भी मॉडर्नाइजेशन के लिए बेहतर इक्विपमेंट दिया जाएगा। सीआरपीएफ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 40,000 AK-47 राइफल भी सीआरपीएफ को दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही 2,000 UBGL भी सीआरपीएफ को मुहैया कराया जाएगा। यही नहीं, एक बुलेट प्रूफ पटका होता है जिसका इस्तेमाल जवान करते हैं, उसको करीब 25,000 की संख्या में सीआरपीएफ के जवानों को दिया जाएगा और ये जवान जम्मू कश्मीर में खास तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। 10,000 बुलेट प्रूफ हेलमेट भी सीआरपीएफ के जवानों को दिया जाएगा। तो ये एक तरीके का मॉडर्नाइजेशन प्लान है गृह मंत्रालय का, जिसका इस्तेमाल अलग अलग जो अर्धसैनिक बल हैं वो कर सकेंगे। आने वाले समय में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए गृह मंत्रालय भी कदम बढ़ा रहा है और उसने 5 साल का एक मेगा प्लान तैयार किया है। उसके तहत 5 सालों में किस तरीके से जो अर्धसैनिक बल हैं, साथ ही पुलिस जो अलग अलग राज्यों की हैं, उनको बेहतर इक्विप करना, साथ ही उनके लिए किस तरीके से अलग अलग तरीके के नए सिस्टम लगाना, ये तमाम चीज़ें दी जाएंगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि एक स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था देश में तैयार हो सकेगी। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।